दोस्तों, जो डीजी की बैटरी होती है या जितने भी हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं उनकी डेंसिटी नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हाइड्रोमीटर आखिर काम कैसे करता है। चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसको आप डिटेल में जानिएगा। इसको देखने के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि उसकी डेंसिटी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ये जो हाइड्रोमीटर होता है ये डेंसिटी यानी कि घनत्व नापने का एक यंत्र होता है। यह शीशे की एक लंबी नली होती है और बल्ब का बना होता है। नली का जो हमारा ऊपरी मुंह होता है वो बंद होता है और इसके ऊपर एक पैमाना लगा रहता है। बल्ब में शीशे के छर्रे पे पड़े रहते हैं। यह हाइड्रोमीटर एक दूसरी कांच की खाली नली में पड़ा रहता है जिसमें पंप के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तेजाब पानी में जितना कम होगा अर्थात हल्का इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ही हाइड्रोमीटर की अधिक लंबाई पानी में डूबेगी। जिस समय सेल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि अगर सेल डिस्चार्ज हो गया दोस्तों मतलब उसके अंदर जो तेजाब होता है वो हल्का हो जाता है, और जिस समय चार्ज होता है तो यानी कि उसके अंदर जो तेजाब है वो उसके अंदर भारी हो जाता है। ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर काम कम भाग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा। ग्रेविटी को देखने के लिए हाइड्रोमीटर की बाहरी नली में पंप द्वारा इलेक्ट्रोलाइट तीन हिस्से भर लेते हैं तो हाइड्रोमीटर बल्ब अपने आप पानी में तने लगता है। पानी की ऊपरी सतह तक कितनी रीडिंग आती है वह उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। हाइड्रोमीटर को देख के यानी कि उसके अंदर जो पैमाना होता है उसको देख के आप मालूम चल सकते हो कि बैटरी हमारी डेड है यानी कि डिस्चार्ज है, हाफ चार्ज है या फुल चार्ज है। तो दोस्तों, अगर हम लोग हाइड्रोमीटर की रीडिंग की बात करें तो अगर हमारी बैटरी अगर फुल चार्ज है तो उसकी जो रीडिंग होगी दोस्तों वो 1290 होगी। अगर हाफ चार्ज है तो 1260 होगी। लेकिन अगर यही 1200 या 1180 है यानी कि बैटरी हमारी फुल डिस्चार्ज यानी कि डेड हो गई है। इंपॉर्टेंट चार्जिंग हमारी होती है, विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है दोस्तों, यदि बैटरी को कम करंट पर अधिक समय तक चार्ज करने को हम लोग ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ट्रिकल चार्जिंग बेसिकली क्या होती है दोस्तों, इमरजेंसी लाइट आदि के लिए होती है। इससे क्या होता है, बैटरी की सल्फेशन भी दूर हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के छोटे छोटे मैं फैक्ट बेसिस की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगर ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।